जी अस्सलाम वालेकुम, आज मौजूद हूँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक लेजेंड सीनियर एक्ट्रेस यास्मीन साहिबा के पास। इतनी मोहब्बत और इतना प्यार जो कुछ लम्हों में मुझे मिल गया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैडम इतने प्यार से इतनी मोहब्बत के साथ मुलाकात करेंगी। शायद ये मेरी ज़िंदगी के वो यादगार लम्हे हैं जिनको मैं हमेशा हमेशा के लिए कैद करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया मैडम, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह की रहमत है बहुत कि मैं ठीक हूँ। इस उम्र में भी मैं चल फिर रही हूँ, बोल रही हूँ, समझ रही हूँ, उसकी रहमतों का सदका इंशाल्लाह ताला। अल्लाह करे कि सबकी ज़िंदगी लंबी हो, मेरे बच्चों की, आप मेरे बच्चों की तरह हैं बेशक। बिल्कुल, तो सबके लिए मेरी दुआएँ हैं, मैं दुआएँ दे सकती हूँ। अब और क्या हो सकता है, चलने में ज़रा सी तकलीफ़ है, वो भी खुदा ठीक कर दे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैंने हमेशा अल्लाह की ज़ात पे भरोसा किया और वो मेरी सुनता है। इतना मुझे मान है उसकी ज़ात पे कि वो मेरी बात सुनता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। रब्बुल आलमीन की हद के जाऊँ, मेरे बच्चे बड़े नेक हैं, बहुत मेरी खिदमत करते हैं, इससे ज़्यादा और मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? आज तक आपको फिल्म्स में देखा जी, तो ये पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट, इतना सोबर, इतनी माशाल्लाह से आप अच्छी हैं कि दिल नहीं करता कि मज़ीद इंटरव्यू करूं। मैं चाहता हूं कि मैं आपके पास बैठ के आपसे बात करूं। ऑफ़ द कैमरा भी इतनी मोहब्बत से बातचीत की आपने, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे सेहत वाली, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा मैडम, ये पूछना चाहूँगा कि यास्मीन असली नाम था या फिर फिल्म में आने के बाद? नहीं, फिल्म में आने के बाद यास्मीन नाम रखा गया। नाम मेरा अमीना, अमीना, अमीना बेगम, अमीना बेगम माशाल्लाह। आमना भी बुलाते थे, अमीना भी, कई दोस्त सहेलियाँ मिन्नू करके भी बुलाने लगी। अच्छा, शॉर्ट नेम जिस तरह होता है। जी जी, बड़े नाम बदले लेकिन यास्मीन नाम बहुत सही रहा, अट्रैक्टिव था। डेट ऑफ बर्थ याद हो अगर आपको तो? जी, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ मेरी वालदा को भी नहीं याद थी। अच्छा, अब वो जो कहती थी वही मैंने याद रखा। 11वीं का महीना था, बताती थी मेरी वालदा कि बहुत नात अच्छे अच्छे दिन थे, अल्लाह ताला के बड़े गिने मिने दिन थे, तो तुम पैदा हुए। जी जी, शायद उसी का असर है, अच्छे दिन भी पैदा बच्चे हों तो भी किस्मत लेकर होते हैं। बेशक ऐसा ही है। पाकिस्तान में ही पैदा हुई थी आप? नहीं जी नहीं, मैं बॉम्बे पैदा हुई, बम्बई में पैदा हुई, वहीं पर मैंने तालीम जितनी भी मुझे मिली, बॉम्बे इमामबाड़ा हाई स्कूल और भिंडी बाज़ार। नाम तो अजीब सा लगता है लेकिन बड़ा मशहूर और बड़ा अनारकली जैसा, और वहाँ इमाम बारगाह भी सामने थी और बहुत बड़ा स्कूल है, और हो सकता आप भी हो, वहाँ मैंने 8वीं तक पढ़ा है। अच्छा, और फिर छोड़ दिया, नहीं पढ़ सकी। किस तरह तो बचपन कैसा गुजरा? शरारती थी कि खामोश तबा? नहीं नहीं, मिक्स, शरारतें ज़्यादा नहीं करती थी। अच्छा, डरती बहुत थी और अब तक वो डर मौजूद है। जो माँ बाप ने सिखाया वो ही सीखा और उनकी बात से इधर उधर नहीं कभी हुए। माँ बाप की खिदमत की, वही मेरा फ़र्ज था। बेशक। बहन भाई कितने थे आप? मैं अकेली बहन हूँ। अच्छा, अकेली बहन है। मेरे वालिद की, मेरी वालदा दूसरी बेगम थी, उनकी पहली बीवी से मेरी बहन कल आई थी। कल की बात कर रहे हैं। अच्छा, कल की कल बात। कल आई, वो मुझसे 2 साल बड़ी। अच्छा, और एक मेरे चचा की बेटी भी आई थी मिलने, साथ ही उनके, वो मुझ हम सबसे छोटी है। बस भाई हमारे यहाँ कोई नहीं था। तो शोबिज में आने का शौक था या नहीं? जी, शौक तो नहीं आया मुझे, मतलब हादसाती तौर पे आगे, बस वो घर के हालात तो, और मेरे वालिद जब पार्टीशन हुआ तो उनकी वालदा वगैरह सब मेरे वालदी वालदेन तो लाहौर के थे। एक मेरे वालिद का नाम अता मोहम्मद पराचा, जी जी, तो वो लाहौर के थे और वालदा मेरी गुजरात जो आगे जाके आता है, जी जी, वहाँ के गांव का नाम है घनसिया। अच्छा, वहाँ पर वो रहती थी। उनकी शादी जब हुई तो वो बॉम्बे चले गए, बॉम्बे में मैं पैदा हुआ। माशाल्लाह। तो शुरुआत आपने इंडिया से की थी या पाकिस्तान? इंडिया से? इंडिया से। उस वक्त मुझे कुछ पता नहीं था कि इंडस्ट्री क्या होती क्या नहीं,
عبدالرشید کاردار صاحب کے اسٹوڈیو میں میں نے کام کیا پہلے. اس فلم کا نام دل لگی تھا. دل لگی بالی ووڈ کی, انڈیا کی؟ جی جی دل لگی تھا. اور سریا بیگم اور شام پرانے جو تھے وہ ہیرو ہیروئن تھے. میں ان بچوں اور لڑکیاں 14-15 لڑکیوں میں بھی تھی شامل, لیکن مجھے زیادہ ڈائلاگ انہوں نے پڑھائے کہ میری اردو بہتر تھی. وہاں مراٹھی لوگ رہتے ہیں, بہت ساری قومیں رہتے ہیں بامبے میں. جی جی جیسے کراچی میں بہت سارے لوگ مکس رہتے ہیں اسی طرح. تو اردو کی ذرا سا میں اچھی اردو بول دیتی تھی, تو اس میں پورے جتنے بڑے بڑے ڈائلاگ تھے مجھ سے کہہ رہے ہیں تو وہ میرے استاد تھے سمجھو, یار کاردار صاحب. وہ بھی پیچھے سے لاہور ہی کے تھے. پھر مجھے وہ ملنے بھی ایک دفعہ آئے بامبے سے. جب آئے تو میں نے ان کو یہاں بلایا کھانے پر, تو وہ بڑا خوش ہوئے مجھے دیکھ کے. پھر وہ چلے گئے بامبے واپس. جو اشفاق ملک کو جانتے ہوں گے, وہ بھی یہاں بہت بڑے ڈائریکٹر تھے. جی جی وہ ان کے سگے بھانجے تھے. جی ان کی فلم سلمہ میں میں نے کام کیا تھا. اچھا سلمہ اور باغی میں کام کیا تھا. بڑا مجھے بھی نام ملا, ان کو بھی بڑا عزت اس فلم نے دی. تو وہ اچھے لوگ تھے وہاں کے ٹیکنیشین. وہ اس نے سب, اشفاق ملک صاحب نے فوٹوگرافی بھی سیکھی وہیں پہ اسی اسٹوڈیو میں جہاں ہم نے کام کیا. 3-4 مہینے میں فلم ختم ہو گئی. اس کے بعد میرے والد جو تھے وہ یہاں آ کے پھنس گئے تھے. ان کو نہیں آنے کی اجازت, پاسپورٹ نہیں تھا اس وقت. ایک ہی اس میں سارا کچھ لکھ لیتے تھے. تو میرے والد آئے اور ہمیں پھر واپس لے کے ادھر آئے. جب یہاں آئے تو یہاں سے ہم گئے 49 میں. ہم یہاں آئے 49 میں. آئی واز دیٹ ٹائم مے بی 12 or 13 ایئرز. 12-13 سال کی تھی. پھر یہاں آ کے تو کام ہی کرنا پڑا. ان کو برا بھی لگا اچھا بھی لگا, مگر وہ بلڈ پریشر کے مریض تھے, کام نہیں کر سکتے تھے زیادہ. اس زمانے میں علاج بھی کچھ نہیں تھا, نیا نیا پاکستان بنا تھا. ہم نے وہ وقت دیکھے ہوئے کہ میں 3 نمبر بس میں بیٹھ کے ہم, میری والدہ اور ہم یہاں آ کے اترتے تھے. الحمد للہ اللہ پاک کے بعد آج اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے, اس کی رحمت ہے. وہ جسے چاہے جو مرضی کر. بے شک. بس یہ یاد رکھا ہمیشہ, غربت بڑی بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ عزت سے ہر ایک کا غربت کا موقع ختم کرے. اور جو یہ عمران صاحب چاہتے ہیں نا, میری بھی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. جی جی میں غلط بات نہیں کرتی, اس لیے کہ انہوں نے جو بتایا ٹی وی پہ آ کے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, تو وہ عنقریب ہمارے ذہن سے ملتا جلتا ہے. جی جی ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ کو بری لگے. اور اللہ تعالیٰ سے میں بہت ڈرتی ہوں, میرے بچے بھی, ہم بھی سب. میڈم پاکستان میں پہلی فلم کون سی کی آپ نے؟ چنوے جو شوکت صاحب نے بنائی تھی. یہاں پر نام باجی نور جہاں کا دیا تھا. اچھا وہ ڈائریکٹر. جی جی ڈائریکٹر ہیں وہ, مگر ڈائریکٹ شوکت صاحب نے کیا تھا. اس وقت یہ اسٹوڈیو میں مطلب ہے یہ سب اتنے فلور اور یہ کچھ بھی نہیں تھا. ایک فلور تھا اور ایک جو انہوں نے آ کے بنایا تھا. وہاں پر فلمیں بھی چلتی تھیں, ریکارڈنگ بھی ہوتی تھی, سارا کچھ ہوتا تھا. بہت ساری چیزیں میں نے اپنے سامنے دیکھی بنتے ہوئے. تو ہم بھی وہاں ادھر آ کے پرماننٹ ملازمت اختیار کی میں نے. اور میرے ساتھ 8-10 لڑکیاں اور تھیں جو لاہور سے آتی تھیں. اور تقریباً ہم سب ایک ہی بس میں بیٹھ جاتے تھے, کیونکہ سب کو پتہ تھا یہ شان والا سارے لڑکیاں. تو ہم ٹائم دے دیتے تھے, بیٹھ جاتے, کھڑے ہوتے تھے رائل پارک کے اس بس اسٹاپ پہ, اور وہاں پر جب بس آتی تھی سب بیٹھ کے ادھر آتے. اور یہاں سے 5 بجے ہم چھٹی ہوتی تھی تو جاتے. نوکری جیسے ہوتی ہے نا, صبح اور شام کو. جی جی اس طرح کی ہے میں نے.
24 को छोड़े हुए 40-50 साल हो गए हैं आपको जी? नहीं, मैंने इंडस्ट्री छोड़े हुए ज़्यादा हो गया ना, क्योंकि 65 से पहले छोड़ दिया था। जंग नहीं हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, जी वो मेरी उस वक्त आखिरी पिक्चर लाडो थी। लाडो थी और वो वही फिल्म थी जिस पे मैंने, बड़े लोग आए, आप मैडम मेरी फिल्म कर दे मेरी फिल्म, मैंने कहा नहीं जी मैंने छोड़ दिया, अब मैं फिल्म नहीं कर रहा। तो उसके बाद छोड़ने की कोई ख़ास वजह थी? मियाँ साहब ने कहा अच्छा कि भाई काम नहीं करना, घर बैठो, बीवी बन जाओ बस, तुमने ये सब काम नहीं करना, सीधी सी बात है। ठीक हो गया। तो मैंने उनकी बात मानी, मेरी वालदा ने भी मानी बात की, हाँ ठीक कह रहे हैं, तो शादी कर। टोटल कितनी फिल्म्स की आपने, याद हो आपको? मुझे याद नहीं, मुझे चक्रम भाई को शायद नाम सुना होगा। जी जी नाम सुना। वो उनके साथ एक साहब आए थे, वो कराची से आए थे जी, उन्होंने भी इसी तरह इंटरव्यू लिया था। तो उन्होंने कहा मैडम आपकी 55 फिल्में हैं। अच्छा 55 फिल्में? 55 फिल्में, जिनमें से कोई 4-5 तो बनी नहीं, बल्कि ज़्यादा ही नहीं बनी, डब्बों में बंद रही, बाकी जो बनी वो मंजर आम पर आए। अच्छा माशाल्लाह, 3 बच्चे हैं आपके? 3 बेटे बस। तो मैंने देखा है कि आपकी कितनी माशाल्लाह केयर करते हैं वो, बहुत बहुत अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। इनके लिए दुआ करूँ कि ये ऐसी औलाद खुदा कुल को दे जैसे मेरी औलाद है। आमीन। तीनों बेटों के नाम बता देना हमारे जो देखने वाले हैं उनको। जी नासिर बुखारी जी, वो मेरे पहले शौहर में से था। जी नहीं, इंसान है, तकदीर के मामले अल्लाह बेशक बेशक, मैं गलत बात तो बयान ही नहीं कर सकती। तो नहीं बन सकी तो छोड़ दिया गया था, तब फिर मेरी शादी शौकत साहब से। जी मेरे ये दो बेटे शौकत साहब ने से। जी जी शहनशाह रज़ा हुसैन रिजवी, अली मुश्तबा हुसैन रिजवी, माशाल्लाह से दोनों ये हैं। वो लंदन होता है तकरीबन हर रोज़, दूसरे दिन तीसरे दिन हर रोज़ के हिसाब से बात होती है हमारी, मुझसे ज़्यादा बच्चों की बात होती है भाइयों से। माशाल्लाह। कोई बात करनी हो कुछ हो पूछ लेते हैं भाई जान, ये करें ये करें। अल्लाह का शुक्र है कि मोहब्बत प्यार से उनमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा आपको। आने वाला है वो शायद 2 महीने या महीने, जब ये टीका एका लग गया उसके, अभी दूसरा टीका लगना है। वैक्सीनेशन जो एक लग गई अभी एक रहेगा, वो लगेगी उसके कुछ दिनों बाद वो आ जाएगा। फैंस के लिए कोई पैगाम देना चाहें? किसके लिए? जो फैंस हैं आपके। फैन मेरे पता नहीं है अभी के, बहुत ज़्यादा हैं बड़ी तादाद में। अच्छा अल्लाह ताला उनको उनकी ज़िंदगी को खुश रखे, आमीन। उनके बाल बच्चों की खैर हो परवरदिगार, आमीन। जिंदा सलामत रहें, सीधे रास्ते पर चलने वाली औलादें दे सबको परवरदिगार, उनको नेकी की हिदायत दे, आमीन। उम्र रसीदा दे, रिस्क रोज़ी के दरवाजे उन पे खुले रखे परवरदिगार, आमीन। ये मेरी दुआ है सबके लिए, और अल्लाह पाक हमारे मुल्क को कायम दायम रख, आमीन। नेक लोगों से कायम कर दे परवरदिगार, ये जो गंदगी मैं देखती हूँ टीवी पे बड़ा दुख होता है, अल्लाह करे सारी उम्मत जो है अल्लाह रसूल पाक की वो सुधर जाए, आमीन। आमीन। ये मेरा पैगाम है। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाक अल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। या इलाही आमीन, आमीन। मुझे बड़ी खुशी हुई तुम्हें मिल के, अच्छे बच्चे लगे मुझे। खुश रहें, जज़ाक अल्लाह। बस माँ बाप की खिदमत करोगे तो बहुत कुछ पाओगे इंशाल्लाह, क्योंकि दुआएं होती हैं। जी जी। और खुदा बड़ा करीब से देखता है कि ये बच्चा किस किस्म का। जी जी। आजमाइश शर्त भी होती है बेटा, उस आजमाइश में आदमी पाक हो जाए साफ हो जाए तो जी जी अल्लाह सब कुछ करता है बेशक। ये मेरी इल्तजा है मुल्क के लिए भी अल्लाह ताला से, और सब पब्लिक से भी इल्तजा है कि नेक हो जाओ, मत कोई गंदगी करो, मुल्क को बदनाम ना करो। भाई क्या मुल्क ने बिगाड़ा, अल्लाह ने इतना प्यारा पाकिस्तान दिया है। मैं देखती हूँ ना जब बाप शॉट देखती हूँ पहाड़ों में और सड़क जा रही है, तो मैं खुश होती हूँ कि हमारे यहाँ कितनी अच्छी जगह है। जी लाहौर या ये सब कुछ तो हेच है उन चीज़ों के सामने जो बाहर में जाके। जी जी। बस अच्छा मुल्क है संभाल लो, नहीं तो बड़ी गलत बात हो जाएगी। जी जी।
बस यही इंतजार। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, खुश रहें आप। अच्छा बेटा, कायम दान रहो, कमाए, बड़ी खुशी की बात है। आमीन। अपने घर में मेरा सबको दुआ सलाम कहना, और बिलखसूस शबनम को जी वाले कहना कि जब आओ तो उनको तुम साथ लेके आओ। जी ज़रूर, ताकि वो इधर का रास्ता उसको नहीं मिलेगा, वो स्टूडियो में इधर ही से आती रही, फिर ढूंढने में तकलीफ ना हो, तो तुम आओ तो ले जाओ। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया बेटा जी। अल्लाह बनकर बात।